हमारे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है जब हम कामयाब लोगों से मिलते हैं उनसे ये जरूर पूछते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे जो बड़े फनी रहे होंगे आप उनको याद करते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती होगी तो ऐसा कुछ रहा होगा आपके, आपके जिंदगी में सर जितना काम हमने किया है ग्राउंड लेवल पे आप समझिए रोज रात को हम कोई ना कोई किस्सा लेके आते थे जो अपनी बीवी को सुनाते थे अच्छा वो मिले ऐसा हुआ आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ एक वाकया बताता हूँ और बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता है स्टेज पे जाने से घबराते हैं तो मैं भी उनमें से एक था मैं मेरी पूरी बॉडी कांपा करती थी तो मुझे किसी ने समझाया कि ना तुम आईने के सामने खड़े होके और थोड़ा अपने आप को सेल्फ टॉक करो अच्छा राइट कि भाई जैसे होटल में प्रोग्राम है हुँ, हुँ, और आप बाथरूम में जाके होटल के तो बोले कि आज मैं कमाल करूंगा मैं तैयार हूँ इसके लिए आज का प्रोग्राम कमाल का जाएगा ये सब अच्छा तो जी मेरा पहला प्रोग्राम था और मुझे स्टेज पे जाना था और मैं यही टेक्निक अप्लाई करने के लिए पहुँच गया और मैं बाथरूम में पूरी ताकत के साथ ये बोलना मैंने चालू किया आईने के सामने की अच्छा दीपक बजाज तुम कमाल हो तुम आज जो भी करोगे वो बेशुमार होगा और जव, लाजवाब होगा लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो मैं बोल रहा था पीछे से एक लेडीज आई अच्छा। कह रही है दीपक बजाज तुम आज कमाल करोगे तुम कॉन्फिडेंट हो सब कुछ बहुत शानदार है अच्छा लेकिन ये लेडीज टॉयलेट है रियली <laughs> जी अच्छा इस कदर थी कि ये सारी जो बातें थी मैं उस लेडीज टॉयलेट में था अब भी कभी मैं किसी भी प्रोग्राम से पहले जब बाथरूम में एक लास्ट टॉयलेट में जाता हूँ तो हाँ। वो आईने में खुद को देखता हूँ तो वो आवाज पीछे से आ जाती है अच्छा। और मैं चेक कर लेता हूं कि that's great, that's मैं सही जगह पे हूँ बिल्कुल सही कहा मुझे भी अच्छे से याद है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं अपने शहर का होस्ट था तो होस्ट के नाते मुझे मेरी ये ने बताया कि भाई आपका ये काम है आप प्रोग्राम की शुरुआत करवाओगे और शुरुआत में अपना नाम बताओगे और जो मेन स्पीकर हैं उनको आप स्टेज पे इनवाइट करोगे तो मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा बोले एक डेढ़ मिनट लगेगी सारी की सारी तो ये बिल्कुल आसान है मैंने कहा चलो ठीक है सर तो मैंने सर रात को घर पर अपनी पत्नी को बोला मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आप सुनो और मैंने खूब रिहर्सल करी मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और आज हमारे चीफ गेस्ट फला फला व्यक्ति हैं आप तालियों के साथ उसका स्वागत कीजिए मैंने कम से कम पचास बार उस लाइन को रिपीट किया जी। और स्टेज पे गया पहला मेरा मौका था ज़िंदगी में और जैसे ही मैं गया माइक मेरे हाथ में दिया मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया मैं कुछ नहीं भूल पाया और मेरे जो प्लाइन थे वो समझ गए तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा और वो स्टेज पे आए और मेरी पीठ थपथपाई और मेरे साथ में खड़े होके उन्होंने जो स्पीकर थे उनको स्टेज पे बुलाया और मैं ये आपके साथ भी ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है कि मैंने ऐसे ऐसे भी दिन देखे कि सामने एक लाख लोग बैठे हैं एक प्रोग्राम था जिसमें डेढ़ लाख लोगों को हम लोगों ने एड्रेस किया तो ये इस इंडस्ट्री का पार्ट है बहुत खूब और कोई ऐसी घटना जो आपको रोमांचित करती है और आपको ये लगा हो कि यार मेहनत तो ठीक है लेकिन ऐसी चीजें और ऐसी घटनाएं अगर हैं इस इंडस्ट्री में रहने की वजह से तो ये काम नहीं छोड़ना चाहिए सर मैं क्या बोलता हूँ जब आप हर घर में ना आपको कॉमेडी मिलेगी हाँ यस आप राइट एटीट्यूड के साथ जाइए आपको कोई कॉमेडी सर्कल या कॉमेडी के सीरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट मतलब लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन बोलेंगे बहुत कुछ लाइक एक बार मैं किसी के घर पे गया और हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही है छोटा बच्चा था और हमने हस्बैंड को प्लान दिखाना था hmm. तो मैं और मेरे साथ एक एसोसिएट थे और हस्बैंड आए और बच्चा रोए जा रहा है परेशान हो रहा है मैं बोल रहा है, मम्मी मुझे टीवी देखना है कार्टून देखना है कार्टून देखना है, कार्टून देखना है। hmm. और ये जो शख्स थे ये हमें तीन दिन से नहीं मिल रहे थे और ये बोल रहे थे मैं जिंदगी में बहुत कामयाब हूँ मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं okay, है राइट आई एम सेटिस्फाइड वी डोंट नीड दिस बिजनेस और अभी वो क्या है वो बीवी खाना बना रही है बच्चा जिद कर रहा है मम्मी मम्मी कार्टून देखना है कार्टून देखना है। hmm. बीवी जैसे वो हस्बैंड आए और हम लोग बैठे हैं और बीवी देख के बोलते हैं भाई तू ना इसको देख ले

इसमें मस्ती भी है मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने लगभग आधी दुनिया घूम ली है इस बिजनेस में आने के बाद में तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये जो किताब है ये एक अल्टीमेट बुक है और मुझे इसको पढ़ के ये ऐसा लगा कि मुझे आज से अठारह साल पहले मिल गई होती तो जो अचीवमेंट मैंने दस साल में मिली शायद मैं दो या तीन साल में ले लेता ले ये बहुत ईमानदार प्रयास है दीपक बजाज जी का और ये अमेजोन पे भी लेवल है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है आप इसको जरूर पढ़िए आपने बहुत सारा समय दिया दीपक जी थैंक यू सो मच दीपक बजाज एक कामयाब शख्सियत बहुत सारे क्षेत्रों में दोस्तों आपको हमारा आज का ये पहला एपिसोड कैसा लगा उसके लिए हमें आपकी राय चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और इस कार्यक्रम में आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं किन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं उनके नाम आप ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हम प्रयास करेंगे कि वो लोग जिनको आप सुनना चाहते हैं हम आपसे रूबरू करवाएँ बहुत बहुत धन्यवाद